बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वीकेबी माय डॉक्टर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। 2019 में एक संकट ने देश दुनिया को घेर लिया। इस संकट ने दुनिया को बहुत कुछ दिखाया जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों को अपनों से छीन लिया। कोविड की बात कर रही हूँ मैं, और आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं इस काल, इस पैंडेमिक से, कि इसने हमें क्या क्या सिखाया। धीरे धीरे ज़िंदगी जो है नॉर्मल होती जा रही थी, जो केसेस थे वो कम होते जा रहे थे, लेकिन अब एक और संकट गहराने लगा है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। अब ये क्या है, इसमें कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और कोविड के टाइम से, इनिशियल स्टेजेस से, हेल्थ वर्कर्स की जो थी वो उनकी वर्क स्टाइल, उनका वर्क लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। स्पेशली अगर हम फ्रंट लाइनर्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई इन सारी चर्चाओं पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हवा में ओमिक्रॉन जो है वो बहुत सुनाई दे रहा है। ये क्या है, और लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जो कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन, ये भी लगा चुके हैं, दोनों डोज हो चुके हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या इससे हम बच सकते हैं, क्या कोविड या ओमिक्रॉन से हम बच सकते हैं, ये किस तरह काम करेगा, ऐसे कई सवाल हैं मैं जानती हूँ आपके दिमाग में। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, उन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर मेडिकल के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गामंडे। डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड एक टाइम था, एक पैंडेमिक था जिसने देश दुनिया को बहुत हैरान परेशान किया, और एक बहुत अलग सी जो काल था वो था। आप लोगों ने इसे बहुत नज़दीक से देखा क्योंकि आप लोगों का जो वर्किंग था, प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा था, और बहुत सराहना की क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे वो किया। हम एक संक्षिप्त में अगर जानना चाहें ये काल के बारे में, जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की और आप लोगों ने इतना इतने नज़दीक से देखा, तो क्या कहेंगे आप एक्सपीरियंस के बारे में? ये तो क्वाइट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस मिलने के बाद आदमी थोड़ा सा कड़क हो जाते हैं। तो ये जैसा इंडिया में 30 जनवरी 2020 में कोविड-19 आया, और जैसे केरला से शुरू हुआ, और आपने देखा है कि 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन, और उसके बाद फिर उसका कितना प्रकोप पूरा दुनिया में हुआ और साथ ही साथ इंडिया में हुआ। और हमने देखा कि जैसे फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव, फिर अभी सोच रहे अपन थर्ड वेव की, ठीक है। हर वेव के लक्षण अलग है, क्योंकि कोविड-19 वायरस, जिसको अपन कोरोना वायरस बोलते हैं, वो हाईली म्यूटेंट, हाईली लेबाइल वायरस है। वो वायरस खुद को चेंज करता है, जैसे जैसे सर्वाइवल फॉर फिटनेस बोलते हैं, उसको जीना है आगे, तो खुद को चेंज करते हैं, नया फॉर्म लेके आता है, और नया फॉर्म में उसके लक्षण भी अलग है, उसके ट्रीटमेंट भी अलग होती है। जैसे कोविड की फर्स्ट लहर थी, उसमें अपने पास ना उसके लक्षण पता थे, साइंस एंड सिम्टम पता नहीं थे, उसकी ट्रीटमेंट पता नहीं थी, वो लोग सब डरे हुए थे। ऐसे इसमें नर्सेस, डॉक्टर, अटेंडेंट, बाकी नॉर्मल जनरल पब्लिक, और ये सब डरती थी। और ऐसे इसमें हमने वहाँ पर काम करना हमारे लिए काफी एक आह्वान था, और वो हमने फर्स्ट वेव में हमने किया। उसके बाद सेकंड वेव आई, सेकंड वेव के लक्षण कुछ और ही अलग थे। जैसे फर्स्ट वेव में बोलते थे जिसको स्मेल नहीं है, जिसको टेस्ट नहीं है, उसको कोरोना होने का चांस ज्यादा है। सेकंड वेव में आपने देखा कि एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव में बूढ़े लोग जिसकी इम्यूनिटी कम है वो ज्यादा अफेक्ट हुए, उनका ज्यादा नुकसान हुआ, उनका जान का नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन सेकंड वेव में यंग लोग जिनको बाकी बीमारी जैसे बीपी, डायबिटीज, ये भी लोग इन्वॉल्व हुए, क्योंकि सेकंड वेव का जो कोविड-19 था, जो नया वेरिएंट था, उसमें साइंस एंड सिम्टम ज्यादा थे, उसमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी। लेकिन उसमें एक फायदा ऐसा था कि यदि अर्ली डायग्नोसिस हुआ, पहले स्टेज में यदि डायग्नोस होता है तो उससे बचने के ज्यादा चांस है। लेकिन लोग पहले स्टेज में डायग्नोस नहीं होता था, लेट स्टेज में आते, तो इसलिए आपने देखा कि यंग लोग, मिडिल एज लोग, वो सेकंड वेव में ज्यादा अफेक्ट हुए। जी, ये ओमिक्रॉन जो सुन रहे हैं, ये वेरिएंट है क्या? क्योंकि वेरिएंट बीच में भी कई सुनाई दिए डॉक्टर, बट ये जो है ये अब ज्यादा कहीं ना कहीं ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जैसे कि कोविड-19 वायरस
अपने स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है उसमें उसके ग्रीक नॉमिनेक्लेचर हुआ है, जैसे बीच में डेल्टा वायरस आया, डेल्टा के पास ये ग्रीक वर्ड है ओमिक्रॉन, उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो माइक्रॉन है, तो हाँ वो माइक्रॉन जो है इसमें म्यूटेशन थोड़े से ज़्यादा हुए क्योंकि उसमें जो स्पाइक प्रोटीन्स है उसमें नियर अबाउट 32 म्यूटेशंस हुए और ओवरऑल म्यूटेशन 52 के करीब हुए और म्यूटेशन इतने होने के कारण उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना चेंज होने के कारण जो अपने वैक्सीन है वो वैक्सीन पूरे स्पाइक प्रोटीन्स पे टारगेट है। अच्छा। और जो अपने नेचुरल इम्यूनिटी जो बीमारी होने के बाद इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी है वो भी स्पाइक प्रोटीन्स के टारगेट है, इसलिए जो भी वायरस बॉडी में जाता है तो उसके एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन को अटैच होते हैं और इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करते हैं, लेकिन इसमें स्पाइक प्रोटीन भी म्यूटेशन है इसलिए इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है और जो नेचुरल इम्यूनिटी रहती है अपनी बॉडी में और नेचुरल इम्यूनिटी को भी ये हैम्पर करता है, इसलिए जिसको इननेट इम्यूनिटी बोलते हो, तो इननेट इम्यूनिटी हैम्पर करता है और साथ ही साथ अटैचमेंट क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स के साथ अटैचमेंट और सेल में एंट्री होता है इसलिए इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, जैसे बाकी वायरस में आर नॉट फैक्टर बोलते रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड ट्रांसमिटेबिलिटी का, तो आर नॉट फैक्टर इसमें ज़्यादा रहने के कारण ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, बाकी डेल्टा वायरस में यदि 3 टाइम ट्रांसमिशन है तो इसमें 9 टाइम्स ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन ज़्यादा है और साथ ही साथ ट्रांसमिशन ज़्यादा रहने के कारण केसेस ज़्यादा बढ़ना है। ओके, करंट सिनारियो अगर बात करें क्योंकि इतना ज़्यादा सुनाई दे रहा है और लोग बहुत एक भय का माहौल फिर से शायद क्रिएट ना हो जाए, थर्ड वेव को लेकर लोगों में बहुत असमंजस की स्थिति है, तो अगर हम सिनारियो की बात करें तो अब हमारे इंडिया में आते हैं और फिर हम महाराष्ट्र पे अगर आए तो क्या सिनारियो है? ये हाईली म्यूटेंट वायरस है, अभी एट प्रेजेंट डरने की बात नहीं, इसलिए किसी ने डरना बिल्कुल जरूरी नहीं, एक हवा को ज्यादा लोग बहुत ज्यादा डरना लग जाते लेकिन वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वायरस थोड़ा सा अलग वायरस है, यदि अपने डरना नहीं और अपने एकदम अभी काफी लोग इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, जो कोविड एसोसिएटेड बिहेवियर करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो ऐसे इसमें आपने लास्ट ईयर का देखो ना, आप 30 जनवरी में केरला में कैसा और फिर बाद में कितने केसेस हो गए, वैसा ही अभी 24 नवम्बर साउथ अफ्रीका में केसेस आए और यदि लोगों ने अपना बिहेवियर बदला नहीं और ये म्यूटेशन के कारण केसेस ज्यादा ट्रांसमिट हो, ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं और केसेस ज्यादा बढ़ते और इसके साथ साथ बाद में बच्चों जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बूढ़े लोग जिनकी इम्यूनिटी कम रहती और ऐसे इसमें इनका ट्रांसमिशन बढ़ता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है, अभी डरने की जरूरत नहीं है लेकिन अपन ने यदि बर्ताव अच्छा नहीं रखा तो बाकी केसेस बढ़ने ये थर्ड वेव आ भी सकती है। सर, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में अब तक जो है अब अभी डोसेज नहीं दिया गया और बच्चों में कहीं ना कहीं खतरा है और अभी ये जो ऊपर की स्टडीज और जो लोगों को जानकारी मिलती है उससे भी है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा असर है और जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें, अगर हम लोग अब्रॉड की बात करें तो वहाँ बच्चे अब अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या फैक्ट है? यही है, अभी जो ओमिक्रॉन के केसेस है साउथ अफ्रीका में उसके माइल्ड केसेस है, बच्चों में केसेस कम है, एक्टिव लोगों में केसेस ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस यदि बढ़ते हैं तो ट्रांसमिशन नेचुरली बढ़ना है और वही सब इन्फेक्टेड केसेस घर में आते हैं और घर में बच्चे हैं तो उनको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो अभी अपने को प्रिकॉशन लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, एज पर द स्टडी अब तक हम ओमिक्रॉन को कितना जान पाए हैं, मतलब अगर आप लोग तो इतना स्टडी कर रहे हैं? अभी तक ओमिक्रॉन के बारे में हाईली म्यूटेंट वायरस है, म्यूटेशन उसके ज़्यादा हुए है उसका, इसलिए ट्रांसमिशन ज़्यादा है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है और एट प्रेजेंट केस उसके माइल्ड फॉर्म में केसेस है, ज़्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं है और वैक्सीन जिसको हो चुका है उसको भी केसेस हुए है, मे भी वैक्सीन के कारण सीवियरिटी उसकी कम है और जहाँ पे इम्यूनिटी कम है, जहाँ पे HIV केसेस ज़्यादा है और ये जहाँ पे वैक्सीनेशन कम हुआ है वहीं पे ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब वैक्सीनेशन का भी रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन सबका होना जरूरी है। जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। एक्चुअली एक टाइम ना था कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने बहुत जागरूकता दिखाई, लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया भी, लेकिन एक टाइम आया जब लोगों ने, कुछ पर्सन जो है अब तक हमारे फर्स्ट डोज भी नहीं लिए हैं लोगों ने, बट अब ओमाइक्रॉन के बाद लोग अब फिर से वैक्सीनेशन की तरफ दौड़ रहे हैं। तो कितना वैक्सीनेशन, कुछ लोगों ने फर्स्ट डोज लिए है और जैसे केसेस कम हो गए सेकंड डोज। हाँ जी, तो अब ये वैक्सीनेशन का कहीं ना कहीं और बूस्टर डोज की बात आ रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी कितने सारे डिसीज है, जैसे हम बोलते पढ़ा जब कॉलेज में पढ़ाते हैं कि वैक्सीनेशन मींस एक मम्मी ने बच्चों को एक कवच कुंडल जो बोलते हैं, हाँ वैसा एक काम करता है। और हर वैक्सीनेशन, कुछ सारे डिसीजेस जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स तो है नहीं, ऐसे डिसीजेस हमको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं, और इसका रीज़न है वैक्सीनेशन। इसलिए वैक्सीनेशन तो देना ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन यानी वैक्सीनेशन एक हेलमेट जैसा है, जैसा कोई गाड़ी चलाता है तो हेलमेट लगाने से उसका तो बचाव हो सकता है, लेकिन वो फुल 100% बचाव नहीं है, उसको गाड़ी कैसे भी चला नहीं सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है और वैक्सीनेशन के साथ बाकी के प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना ज़रूरी है। और जैसा कोविड का अपन सोचते हैं तो वैक्सीनेशन जिनको 2 dose मिल चुके हैं उनको भी कोविड हुआ है, लेकिन उसमें केसेस माइल्डर हुए, तो वैक्सीनेशन से एक तो कोविड नहीं होगा, और यदि होता भी है तो उसके उसके माइल्डर फॉर्म में हो जाते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अभी जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि 2 vaccination हुए, कुछ अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज जो सैनिक बोलते हैं सैनिक बॉडी में है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका मात्रा जो उसकी क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो अभी बूस्टर डोज का सब थिंग थॉट प्रोसेस में है, टास्क फोर्स में भी रिकमेंड किया है, और कुछ स्टडीज आती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो कुछ दिन के बाद थर्ड डोज यानी बूस्टर डोज भी शायद अपने इंडिया में शुरू हो सकता है। ओके, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, कोविड के सिम्टम्स तो अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके, लेकिन वेरियंट जो है वो अपने रूप बदलता रहता है, जिस तरह से हम उसे वेरियंट कहते हैं, तो उसके जो सिम्टम्स हैं क्या वो बदले हैं या फिर किस तरह के सिम्टम्स? अभी ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स काफी माइल्ड है, उसमें टायर्डनेस, थकवापन आना, माइल्ड फीवरिश रहना, बॉडी पेन होना, ऐसे सिम्टम्स हैं। अभी मेजर सिम्टम ओमाइक्रॉन के अभी तक नहीं मिले। ओके, और अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हाउ इज द इम्यूनिटी एस्केप, क्या कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, ये ओमाइक्रॉन जिससे इतने म्यूटेशन हुए और म्यूटेशन के कारण अपने बॉडी में इननेट इम्यूनिटी जो है उसको भी एस्केप कर सकता है, जो जिसकी इम्यून पावर अच्छी है उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा। और साथ ही साथ जिसको नेचुरल इम्यूनिटी मिली है, जैसे जिसने किसको इन्फेक्शन हुआ है या किसको वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी मिली है, और वो इम्यूनिटी ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन ज़्यादा रहने के कारण वो इम्यूनिटी भी ये क्रॉस कर सकता है। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन मिला इसका मतलब कोविड नहीं होगा ऐसा ही नहीं, तो थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है जी। एंड अगर हम ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बात करें, लेकिन उससे पहले डायग्नोस की अगर बात करें, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डायग्नोस? डायग्नोसिस सेम है जैसा अभी तक के कोविड 19 के लिए जो भी डायग्नोसिस के प्रोसीजर थे, एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, दूसरा RT-PCR है। अभी RT-PCR टेस्ट ही गोल्ड लाइन टेस्ट है जो ओमाइक्रॉन के लिए भी है, लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उस पर अभी स्टडी शुरू है, वो अभी तक फाइनल नहीं है वहाँ, लेकिन RT-PCR टेस्ट से अपन ओमाइक्रॉन डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें एक और दूसरा एक आया यस जीन टारगेट फेल्यूर, यदि आता है यस नाम का जीन ओमाइक्रॉन में नहीं है, वो यदि नहीं मिलता है तो अपन आगे जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना है तो अपन पहले थोड़ा सा उसको ब्रेक कर सकते कि ये यदि चांसेस है नहीं है। जी जी, और ट्रीटमेंट की अगर बात आती है तो ट्रीटमेंट भी वही इस तरीके अभी ट्रीटमेंट तो जो पुराना जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे फर्स्ट वेव के बाद
सेकंड वेव में काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हुआ, काफ़ी काफ़ी सजेशन आए हैं और जिसके कारण काफ़ी डेथ भी अपन प्रिवेंट कर सके। और वैसे अभी ओमिक्रॉन के लिए भी सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ओके, हमारा नागपुर प्रशासन किस तरह से तैयार है? मेडिकल कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय काम करते हुए आया है कोविड के टाइम से। अब थर्ड वेव की बारी है और कहीं ना कहीं अभी हमारे पास केसेस तो नहीं है लेकिन एक सस्पेक्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं कुछ केसेस को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी यानी शायद इतना बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल जिसमें 1000 बेड कोविड के लिए रिजर्व है तो वो सबसे बड़ा है, लेकिन नागपुर में अभी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एम्स है और इनके यहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लान दिया है, तो इसके कारण हर हेल्थ फैसिलिटी में कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हैं। तो जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो काफ़ी अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब तैयार है। साथ ही साथ जो जिसका ट्रेनिंग हुआ है ऐसे Class 4, Class 3 नर्सिंग डॉक्टर्स और ये भी काफ़ी अभी अभी तैयार है। जी, करंट स्टेप्स क्या क्या लिए जा रहे हैं ओमिक्रॉन के लिए? अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलर है या नागपुर में या बाहर से कोई आता है तो उसका टेस्ट करना जरूरी है। और इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए तो ऐसा है कि आने के बाद यदि टेस्ट उसका निगेटिव आता है तो उसको होम क्वारंटाइन देते 7 दिन के लिए। उसके बाद टेस्ट फिर से करते हैं, वो टेस्ट निगेटिव आता है तो फिर उसको फिर से 7 दिन का होम क्वारंटाइन, और यदि पॉजिटिव आता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 14 दिन का। और उसके जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है वो पुरानी जैसे प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल है, और जो डिस्चार्ज फैसिलिटी वो जो कंसल्टिंग डॉक्टर से कंसल्टिंग फिजिशियन है वो डिस्चार्ज के बारे में फाइनल डिसीजन लेते। जी, स्वास्थ्य अधीक्षक के तौर पर मैं पूछना चाहूँगी कि लोगों में कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ्स हैं थर्ड वेव को लेकर। थर्ड वेव आएगी, कोई कहता है नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं है, कम है, एज अ स्वास्थ्य अधीक्षक अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो सब आखिरी में ये बोलना चाहूँगा लोगों को कि ये ओमिक्रॉन से या कोविड जैसी बीमारी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे तो ये थर्ड वेव आके फिर से मॉर्टेलिटी बढ़ सकता है। इसलिए सब लोगों ने खुद के तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद की इम्यूनिटी अच्छी रहना चाहिए, इसलिए प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर बैलेंस डाइट, खुद की मॉर्निंग एक्सरसाइज, इससे जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो वो ओमिक्रॉन नहीं होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ SMS मीन्स सेफ डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैक्सीनेशन। इसके साथ साथ भीड़ के जगह पे नहीं जाने का या जो प्लेस है वहाँ पे कैसा वेंटिलेशन अच्छा रखिए, ये चीज़ें यदि सबने बराबर की है तो ये थर्ड वेव अपने नागपुर में क्या पूरी इंडिया में भी नहीं आएगी। और मेडिकल के डॉक्टर्स की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जो सेकेंड वेव थी, फर्स्ट वेव थी, वहाँ मेडिकल के डॉक्टर्स भी काफ़ी जूझे और काफ़ी मेडिकल स्टाफ भी जूझा, तो अब मेडिकल स्टाफ और मेडिकल क्या तैयारी में है? अभी हमारे यहाँ Class 3, Class 4 नर्सेस और जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुका है, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अभी थर्ड वेव के लिए उनका ट्रेनिंग हो चुका है। जो ऑक्सीजन रिलेटेड या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट वेंटिलेटर ये रिलेटेड भी काफ़ी तैयारी हो चुकी है। यदि अपने नागपुर में आता है तो पूरा नागपुर प्रशासन और कॉरपोरेशन और ये सब उसके लिए तैयार है। जी, हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब कोविड का नाम सुनाई दिया था तो तब हमें पता चला था कि हमें हमारी इम्यूनिटी को कितनी स्ट्रांग रखना जरूरी, क्योंकि इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता था, बट जब कोविड आया तब हमने अपनी इम्यून के बारे में ध्यान देने की कोशिश की। तो प्रिवेंटिव मेजर्स दर्शकों को लास्टली क्या बताना चाहेंगे आप? प्रिवेंटिव मेजर्स बच्चों खुद की इम्यूनिटी अच्छे से रखना, इसलिए एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, सेफ डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेसेस और वेंटिलेशन। ओके, थैंक यू सो मच गावंडे सर, आपकी ये सारी जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएगी। वैसे डॉक्टर गावंडे और हम तो होप करते हैं कि ये थर्ड वेव आए ही ना, कोविड से हम कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सिचुएशन में अब धीरे धीरे बैक इन कर चुके हैं, तो ये सिचुएशन ऐसी ही रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं, क्योंकि हम अभी जो नोटिस कर रहे हैं एज अ मीडिया पर्सन, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आप सभी बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। दैट डजेंट मीन कि आपको पब्लिक प्लेसेस में निकलना नहीं है, दैट डजेंट मीन कि आपको अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करनी है, दैट डजेंट मीन आपको
घर पे बैठना है, आप बाहर निकले लेकिन SMS, जैसे डॉक्टर ने कहा कि सेफ डिस्टेंस, मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपनों का ख्याल भी रख पाएंगे। आज माई डॉक्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक के लिए कीप सेफ डिस्टेंस और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माई डॉक्टर, सिर्फ VKB News पर।